दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं होम क्रेडिट उज्जवल कार्ड प्रोसेस विद पाइन लैब्स। इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मॉनिटरी हैं जो कि इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक हो। उसके अलावा ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि KYC के लिए हमें बैंक से लिंक ही आधार कार्ड चाहिए होगा। इसकी KYC कंडीशन है आधार कार्ड की और पैन कार्ड की, तो आधार कार्ड पैन कार्ड आप अपने पास रखें उज्जवल कार्ड के प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपको कस्टमर के मोबाइल फ़ोन से ये बारकोड स्कैन करना है, या इसके अलावा आप homecredit.co.in/pinelab पर भी जा सकते हैं। ये एक पाइनलैब की ऑफिशियल वेबसाइट है जो होम क्रेडिट के द्वारा आपको गूगल पे मिल जाएगी, और आप इस बारकोड को स्कैन करने के बाद भी इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं। साइट पे जाने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको अपना सेल्फी डालना है, आधार कार्ड एड्रेस के लिए डालना है और पैन कार्ड फोटो अपलोड करना है, और अपना जो भी सैलरी या आपका बिजनेस है उसका प्रूफ यहाँ डालना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, फिर आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, देन आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपकी कोई जो आपकी भाषा है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको नेक्स्ट कॉलम में फिल करना है OTP। फिर उसके बाद आपको अपना मेल ID यहाँ फिल करना है, मेल ID पे भी आपका एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ फिल करना है नेक्स्ट कॉलम में। आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। पैन कार्ड का फोटो अपलोड होने के बाद आपकी डिटेल्स ऑटोफिल हो जाती है। यदि आपकी डिटेल्स ऑटोफिल नहीं होती है तो आपने अपना पैन कार्ड का फोटो सही से नहीं डाला, एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन आधार KYC का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और अपना जो नीचे कैप्चर दिया गया है वो कैप्चर फिल करना है, देन ओके कर देना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड KYC कंप्लीट हो चुका है। आधार कार्ड KYC कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ नाम और एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और फादर्स नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने घर की डिटेल भरनी है, जैसे कि आप रेंट पे रहते हैं या आपका खुद का घर है या आप कहीं जॉब करते हैं, तो वो एड्रेस आपको यहाँ क्लिक करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आपका व्यवसाय क्या है, आप सैलरीड हैं या आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप करते हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। और देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूछेगा कि आपका एजुकेशन कितना है, 10+2 BA या जो भी आपका एजुकेशन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये आपको आप उज्जवल कार्ड की प्रोसेसिंग फीस बताएगा, यानी कि फाइल चार्ज बताएगा। ये कार्ड की पेमेंट वन टाइम कार्ड की पेमेंट है, जैसे बजाज कार्ड की होती है वैसे ही इसकी वन टाइम कार्ड की पेमेंट है, उसके बाद कार्ड की पेमेंट नहीं लगेगी, ये एक ही बार लगती है। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ अपने 2 रेफरेंस नंबर डालने हैं, या आप अपने फैमिली का कोई नंबर डाल सकते हैं या अपने फ्रेंड का, 2 रेफरेंस नंबर डालने होते हैं यहाँ। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। एक बार अब ये आपको शो कराएगा कि कंफर्म कराएगा कि एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली आपकी फिर लिमिट बताएगा, फिर आपकी जितनी भी पैन कार्ड के भी आप पे जितनी भी आपकी लिमिट है यहाँ आपकी डिस्प्ले पे शो कर रही होगी। देन अब यहाँ स्टेप आता है ऑटो डेबिट का, यानी कि आप लोन लेने के बाद आप पेमेंट कैसे कटवाना चाहते हैं, किस अकाउंट से कटवाना चाहते हैं, वहाँ आपको कुछ बैंक डिटेल शेयर करना होगा। आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर और IFC कोड, नेम, ब्रांच नेम, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन फिल करनी होगी। अब यहाँ ये आपको शो कर रहा है कम्प्लीटली फॉर्म डिटेल, आप चेक कर सकते हैं आपको आप कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक सिक्योरिटी कोड आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है इस ऑप्शन में, सिक्योरिटी कोड के ऑप्शन में। अब यहाँ ही आपको आपकी बैंक डिटेल दिखाएगा कि कुछ गलत तो नहीं है, आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया, देन फिर आप नेक्स्ट कीजिए। अब इस स्टेप में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, इस आधार कार्ड नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको सेकंड स्टेप में फिल करना है। तो ये फाइनली आपका उज्जवल कार्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।